अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको घर में बालाई से घी बनाने का तरीका बताऊंगी। जब भी दूध उबाला जाता है तो बालाई की तह ऊपर जम जाती है। उबले हुए दूध को ठंडा करने के बाद ऊपर से बालाई की तह उतार कर बर्तन में इकट्ठा करते हैं, और जब ये थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाती है तो इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे गर्म करके घी बनाया जाता है। ये कम अज़ कम 3 हफ्तों की बालाई थी जो कि इस तेज़की में निकाली गई है, और फिर इसको सिर्फ इसके अंदर इतना किया गया है कि 1 चम्मच आटा डालकर चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया गया है। आंच बहुत हल्की है, आप देख सकते हैं, इंतहाई हल्की आंच है, और इस आंच के ऊपर इसको गर्माइश तो मिलेगी लेकिन ये उबाल नहीं आएगा। साथ साथ आपने हर 5 मिनट के बाद इसमें लकड़ी से ये चम्मच चलाना है। ये लकड़ी का चम्मच इसलिए है कि नीचे ना लगे, और जो चीज़ नीचे जम रही है उसको आपने ऐसा ऐसा नीचे से पैंदे को रगड़ते हुए खुरचना है। आटा डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर जो लस्सी है वो आटा जज़ब कर लेता है, और इस तरह दूध जो है जब उबलता है या बलाई जब उबलती है तो उसके अंदर से घी बिल्कुल निथर कर निकलता है लस्सी के बगैर। बलाई पूरी तरह पिघल कर दूध की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आपने बलाई को जब स्टोर करना है, उसको ज़रा इकट्ठा करना है, उसके बाद ये बनाना है, तो इकट्ठा करने के लिए कोशिश करें कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बलाई इकट्ठी करें ताकि उसे फंगस ना लगे। हर 5 मिनट के बाद लाजम चम्मच हिलाएं, और चम्मच इसी तरह हिलानी है कि पैंदे को रगड़ना है आपने, क्योंकि ऊपर तो इसमें उबाल आएगा लेकिन नीचे से ये पैंदे को पकड़ने की कोशिश करेगा। जितनी दफ़ा आप इसको हिलाएंगी, आपने अच्छी तरह पैंदे को रगड़ के बिल्कुल क्लियर करना है कि पैंदे पे कोई चीज़ जमी ना रह जाए। अब आप देख रहे हैं कि इसके किनारों पर हल्का हल्का सा घी आना शुरू हो गया है। ये थोड़ी सी इसकी चिकनाई जो है वो साइडों पे इकट्ठी होना शुरू हो गई है, और इसकी निशानी ये है कि सतह जो है वो चमकदार हो गई है, थोड़ी थोड़ी शाइन उसमें आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि घी अब ऊपर आ रहा है, और ये पूरा 1 घंटा हो गया इसको चूल्हे के ऊपर रखे हुए और हल्की हल्की चम्मच हर 5 मिनट के बाद हिलाते हुए। तो इसको आपने बड़े सब्र के साथ बनाना है, इसमें जल्दी नहीं करनी। अगर आप चूल्हा तेज़ रखेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगा। हल्की आंच पे आप इसको रखें और 5 मिनट के बाद लकड़ी से पैंदे को अच्छी तरह से रगड़ते रहें ताकि ये नीचे ना चिपके, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सतह चमकदार होना शुरू हो जाएगी। किनारों पे आप देख सकते हैं कि ये शाइन आ रही है, यानी ये ऑयल अलग हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि घी वाज़ह तौर पे ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गया। चम्मच हिलानी बिल्कुल नहीं छोड़नी। अभी इसको चूल्हे पर रखे हुए 1.25 घंटा हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता घी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर आना शुरू हो गया है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और हल्की आंच पे इसको मज़ीद हमने अभी रखना है, जब तक कि बिल्कुल घी पूरा का पूरा ऊपर इकट्ठा ना हो जाए, जिसको हमने फिर निथारने के बाद ठंडा कर लेना है। लेकिन अभी फिलवक्त घी अलग होने का मरहला शुरू हुआ है। जो जो घी अलग हो रहा है, मलाई बिल्कुल एक प्यारे से गोल्डन कलर के पेस्ट में तब्दील हो रही है, और घी किनारों पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये अलग होके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। जब घी अलग होना शुरू हो तो कोशिश करें कि आंच और आहिस्ता कर दें ताकि बालाई जले नहीं और घी भी ना जले। अब आप देख सकते हैं कि घी बहुत हद तक ऊपर निकल चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको आप बर्तन में मुंतकिल करना है। कोशिश करें कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही से मुंतकिल करें, जिसमें ये ठंडा करके आपने इस्तेमाल करना है। चम्मच से उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप खुद देख लें कि घी बिल्कुल तैयार है। आँच हल्की ही रखनी है, और जितना घी निकल चुका है उसको बर्तन में मुंतकिल करना है, और फिर चम्मच हिलाते रहना है।
जब तक आपको लगे कि अब मुकम्मल घी सारा का सारा आप निकाल चुके हैं, तब तक आप इसको चूल्हे से ना हटाएं, हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा घी जो ऊपर आ रहा है उसको बर्तन में अलग करते रहें। जब घी ऊपर सतह पे आना शुरू हो जाए तो चम्मच हिलाना रोक दें ताकि सारा घी ऊपर इकट्ठा हो और फिर आपको निथारने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन है जिसके अंदर घी मैंने इकट्ठा किया है निथारने के बाद थोड़ा सा, और बाकी घी अभी भी निकल रहा है। तो इसका प्रोसीजर यही है कि आखिर में घी ऊपर आता जाएगा, आप उसको निथार के अलग बर्तन में डालते जाएंगे, जितना आप निकाल सकेंगे वही आपकी मेहनत का हासिल है। तैयार होने के बाद जब घी को ठंडा किया गया तो उसके बाद ये उसकी शक्ल निकल आई, और ये बिल्कुल देसी घी है। आप देख सकते हैं, आप इसमें सख्ती से उंगली घुसाएंगे तो इस तरह इसका टेक्सचर मिलेगा और खुशबू और जायका बिल्कुल देसी घी का। आपके घर की बालाई से तैयार शुदा घी है ये।